सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पिछली 6 तारीख से जो एक बार फिर से ये 4 दिन तक कुछ कर्मचारियों ने नॉन टीचिंग एम्प्लाइज एसोसिएशन के बैनर के तले, पहले उन्होंने 3-3 घंटे का धरना दिया और 3-3 घंटे के बाद उन्होंने इसे 12 तारीख से स्ट्राइक में कन्वर्ट कर दिया और ये लोग अब निरंतर स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक 2 कर्मचारियों के माध्यम से कर रहे हैं। दरअसल ये जो हंगर स्ट्राइक और धरना जो किया गया है, ये जो स्ट्राइक और धरना है ये तो एक बहाना है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि इस विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रधान श्री बजरंग लाल जी के ऊपर एक कोई किसी महिला कर्मचारी को लेकर के कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के एक केस चल रहा है और वो केस मैंने पहले WCC में भेजा। WCC एक कमेटी होती है हमारे विश्वविद्यालय की जिसमें महिलाओं से संबंधित शिकायतों को लेकर के हम लोग जांच करवाते हैं, लेकिन उस महिला कर्मचारी का उस समय WCC के सामने ना आना और जिस संदीप बेनीवाल ने ये शिकायत की थी, ये शिकायत इनके खिलाफ हुई और ये निरंतर एड्रेस होती हुई 11/12/2017 से शुरू हुई। यहाँ डिपार्टमेंट ब्रांचेस ने इसको एड्रेस शुरू किया और मैंने क्या किया, उसके बाद इस शिकायत पे हमारे यहाँ लीगल सेल होता है, लॉ ऑफिसर होते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, आप इसमें देखें बजरंग लाल जी के ऊपर ये इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसकी एक CD भी है, वो CD हमारे पास है, उसकी हमने ट्रांसलेशन करवाई है सारी की सारी, ट्रांसक्रिप्शन करवा करके। तो मैंने इसकी पूरी जांच करवाने के लिए लीगल सेल जो हमारे यहाँ लॉ ऑफिसर होते हैं उनके रिकमेंडेशंस पर, उनकी ऑब्जर्वेशंस पर मैंने इसे जांच करवाने के लिए SP सिरसा को मार्क किया है। और ये जब मैंने SP सिरसा को मार्क किया ये, तो उसी दिन ये 1 तारीख की घटना है, 1/3 की, और जैसे ही ये सब किया तो कुलदीप कुमार जो इस जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, उन्होंने वाइस चांसलर पर प्रेशर बनाने के लिए उसी दिन ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए कि इंक्वायरी जो है SP सिरसा को दे दी गई है और ये एक गंभीर मामला है, सेक्सुअल हरासमेंट का इशू है। तो बजरंग लाल को बचाने के लिए और बजरंग लाल की तरफ से, उसके एसोसिएशन के अधिकारी की तरफ से उसी दिन 1 तारीख को 1:30 बजे मीटिंग करने की अनुमति ली जाती है। अब की बार इन्होंने 1:30 बजे मीटिंग की परमिशन ली, लेकिन 2:30 बजे के ऑर्डर्स निकाले और 2:30 बजे यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों को ये लेकर के गए और 4 बजे तक ऑनवर्ड्स वो मीटिंग इन्होंने चलाई। उसी दिन मेरे ऑर्डर करने के साइमल्टेनियसली इन्होंने हमें एक लेटर दिया और लेटर में ये कहा कि हम अपने डिमांड्स का बहाना है, इनकी ज़्यादातर डिमांड्स हम लोग पूरी कर चुके हैं, वो डिमांड्स जो भी हैं आप पूछेंगे मैं उनको बताऊंगा सिलसिलेवार कि ये डिमांड्स हम इनकी पूरी कर चुके हैं। उन डिमांड्स के सिलसिले में मैंने उनको जवाब दिया कुलदीप कुमार को कि आपकी डिमांड ज़्यादातर हमने पूरी कर दी हैं, जो बची हुई हैं जो गवर्नमेंट के स्तर पर हैं वो हम लोग गवर्नमेंट को लेके जा रहे हैं, वहाँ से ये करवाएंगे। लेकिन इन्होंने इस स्ट्राइक का बहाना बनाया और स्ट्राइक के बहाने से वाइस चांसलर के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू किया है। सच्चाई ये है कि ये बजरंग लाल को बचाने के लिए ये सारी स्ट्राइक है और VC के खिलाफ ये एजिटेशन खड़ा किया हुआ है। बजरंग जी, आज वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं, नवंबर का एक मामला है और CDs वगैरह भी उन्होंने जो के बारे में बताया है और वो मामला पुलिस जांच के लिए सौंपा गया है, उसी को लेकर के जो ये हड़ताल की जा रही है, क्या मानते हैं आप? बड़े दुखद बात है प्रमोद जी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई मामला था तो वाइस चांसलर महोदय से ये रिपोर्ट ली जाए कि वो उन्होंने आज तक पेंडिंग किस लिए रखा हुआ था। तो सभी साथियों से आप प्रेस के
साथियों से मैं जानना चाहूँगा वाइस चांसलर महोदय से कि वो इतने दिन से इसको पेंडिंग क्यों रख कर बैठे हुए थे अगर स्त्रियाँ का कोई मामला है, और अगर किसी स्त्रियाँ के भी अगर कोई ये केस है और कोई भी मेरे प्रति अगर स्त्रियाँ का एलिगेशन सिद्ध होता है तो मैं इतना कहता हूँ कि मेरे को अगर कोई फांसी की सजा भी दे वो भी कम है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।